जी नमस्कार। सफाई कर्मी पति ने पत्नी को बनाया SDM, फिर भी मिला धोखा। तो आज हम सच्ची कहानी आपके साथ लेकर आया हूँ, जो कि अभी चर्चा में बना हुआ है। पढ़ा लिखा कर एक आपने 1999 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम में एक अनपढ़ पति ने अपने पत्नी को पढ़ाकर IAS ऑफिसर बनाया, लेकिन पत्नी ने, यह रियल लाइफ की कहानी है, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। रियल लाइफ में ऐसा इसलिए है कि ज्योति मौर्या की कहानी है, वह उसके पति ने पढ़ा लिखा कर SDM बनाया, फिर भी पत्नी ने तलाक मांग रही है। और क्या है पूरी मामला, पूरी बारीकी से समझते हैं। जो रियल लाइफ की कहानी है वह ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या की कहानी है, और उनके बीच में एक जो दरार पड़ा है वह एक मजिस्ट्रेट कमांडर के पद पर है, उनके साथ अफेयर हुआ। वह अफेयर में दोनों के बीच एक नई कहानी का मोड़ ले लिया है। वह नई कहानी यह है कि ज्योति मौर्या ने SDM के पद पर रहते हुए भी अपने पति को डिवोर्स देना चाहती है। ऐसा इसलिए हुआ कि वह दोनों SDM के पद पर रहते हुए होमगार्ड के जवान से उनका अफेयर हो गया। उसका चैट मोबाइल के फेसबुक से दोनों का बात चलता था, पति ने देखा तो पति को शक हुआ, फिर पति और पत्नी में दोनों में अनबन शुरू हुआ। जब दोनों में अनबन शुरू हुआ तो मामला डिवोर्स तक आ गया और इनकी जान को मारने की धमकी दी गई आलोक मौर्या को। लेकिन आलोक मौर्या ने एक शिकायत भी किया, अपने पत्नी पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराया और उन्होंने जान से मारने का धमकी का भी एक मामला दर्ज कराया। जब मामला दर्ज हुई तो बात यहाँ तलाक तक आ गई, फिर भी वह दोनों एक दूसरे को मानने को राजी नहीं है। तो देखिए यह कहाँ तक अफेयर की बातें चलता है, या आलोक मौर्या के साथ ज्योति मौर्या रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। तो कैसी लगी हमारी खबर, अगर अच्छा लग गया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो इसका बाकी एपिसोड बचा हुआ है वो भी लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।